हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊंगी आलू मटर की सब्ज़ी। आलू मटर की सब्ज़ी रेगुलर हम घर पर बनाते रहते हैं, सब इसको अपने अपने तरीके से बनाते हैं। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाऊंगी। गैस ऑन करके कढ़ाई चढ़ाएंगे और कढ़ाई में 2 बड़ी चम्मच हम तेल डालेंगे। कढ़ाई को थोड़ा हीट होने दें। कढ़ाई हीट हो गई और गैस का फ्लेम स्लो कर देंगे। इसमें 1/2 चम्मच हम जीरा डालेंगे। जीरा को थोड़ा चटकने दें। 2 लाल मिर्च डाल लेंगे और 2 तेज़पत्ता डाल देंगे। प्याज डाल करके अच्छे से हम भुनेंगे। और प्याज को लगातार चलाते रहेंगे। और ढक्कन से हम ढक दिए हैं। ढक्कन हटाकर देखेंगे, प्याज थोड़ा सा गल गई है। और प्याज को लगातार चलाते रहें जब तक अच्छे तरह से ब्राउन ना हो जाए, तब तक चलाते रहें। एक चम्मच अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे। 1 से 1.5 चम्मच डालेंगे और डाल करके चलाएंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर डालेंगे। 1/2 चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे और डाल करके हम मसाले को चलाएंगे। एक टमाटर का पेस्ट इसमें डाल दिए हैं। इसे तब तक चलाते रहें जब तक मसाले भुन न जाए। और ढक्कन से ढक दिए हैं। ढक्कन को हटा करके मसाले को चलाएंगे। लगातार चलाते रहेंगे ताकि कढ़ाई में मसाला चिपके नहीं। मसाले अच्छी तरह से भून गई है। और साइड साइड से तेल छोड़ने लगी है। गैस का फ्लेम स्लो कर देंगे। अब इसमें डालेंगे कश्मीरी मिर्च, इससे कलर अच्छी आती है। और डाल करके चलाएंगे। हरी मटर अच्छी तरह से धो करके डाल देंगे। डाल करके इसे चलाएंगे।
और 4 उबला हुआ आलू डाल देंगे। आलू का छिलका छील करके काट लिए हैं और कढ़ाई में डाल देंगे। मसाले और मटर के साथ आलू को भी अच्छी तरह से भुनेंगे। अब डालेंगे नमक। नमक अपने स्वाद के अनुसार डालेंगे और डाल करके चलाएंगे। और ढक्कन से ढक देंगे। ढक्कन हटा करके इसमें डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी और डाल करके चलाएंगे। अब इसमें डालेंगे 2 कटोरी पानी। पानी डाल करके चला देंगे। इसमें 1 चम्मच गरम मसाला डाल दिए हैं, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। गार्निश के लिए धनिया पत्ता डाल देंगे। गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। सर्व करने के लिए 1 प्लेट या कटोरी में निकाल लेंगे। आप इसे चावल रोटी या पराठे के साथ खा सकते हैं। ये सब्जी पूरी के साथ सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। आप इसे सब्जी पूरी के साथ ज़रूर बना कर के खाएं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। Thank you friends. Thanks for watching.